हमारे साथ हैं विधायक नीरज शर्मा जी। और नीरज जी, बड़ा मामला है, राजीव कॉलोनी में तेंदुआ पहुंचा और इतनी बड़ी तादाद में लोग यहां मौजूद थे, बहुत बड़ा तेंदुआ था जी। देखिए, इससे सरकार को सबक भी लेना चाहिए और ये सरकार की आंखें खोलने वाला भी सबक है कि जिस तरीके से सरकार अरावली को नष्ट कर रही है और प्रकृति नष्ट हो रही है, ये वन्य जीव कहाँ जाएंगे। आज ये इतनी सघन बस्ती है हमारी राजीव कॉलोनी, और मैं प्रभु का ही शुक्र मनाऊंगा कि अभी तक कोई जान माल की क्षति नहीं हुई है और आगे भी परमपिता परमात्मा कृपा बनाए किसी की जान माल की क्षति ना हो। वन विभाग की टीम मौके पे आ गई है, पुलिस प्रशासन भी है। पर विधायक जी, आपको भी जैसे पता चला आप तुरंत पहुंचे हो यहाँ। देखिए, मेरा फर्ज था, मेरे इलाके की बात है, मुझे आना चाहिए था और मैंने सबसे पहले आते के संग लोगों से यही पूछा कि भाई किसी के कोई जान माल का तो नुकसान नहीं हुआ, तो सबने कहा कि नहीं भाई साहब, जान का नहीं हुआ। पर जिस हिसाब से हमारी आज जमुना जी प्रदूषित हो रही है, अरावली नष्ट हो रही है, क्योंकि ये वन्य जनजीव कहाँ जाएंगे, इनको भी आशियाना चाहिए। तो सरकार को चाहिए प्रकृति की रक्षा करें, अरावली की रक्षा करें, जमुना नदी को प्रदूषित ना होने दें, क्योंकि हमारा शहर दोनों तरफ से प्रकृति के बीच में है। एक हाथ पे यमुना है, दूसरे हाथ पे अरावली पर्वतमाला है, परंतु बदकिस्मती से दोनों ही बद से बदतर होती जा रही है, जिसका ये दुष्परिणाम है।